हिंदू धर्म में देवी देवताओं की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक चक्र है और ईश्वर में पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईश्वर, किसी पवित्र स्थल या फिर देवतुल्य पौधों की परिक्रमा करता है तो वह संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर लेता है। इतना ही नहीं, धार्मिक महत्व के साथ ही परिक्रमा का वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा करने से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो व्यक्ति के मन को शांत रखती है और उसे आत्मबल प्रदान करती है। वैसे तो हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी परिक्रमा का महत्व बताया गया है। हर धर्म में अलग अलग तरह से परिक्रमा की जाती है। हिंदू धर्म में भी अलग अलग देवी देवताओं और पवित्र स्थलों एवं पेड़ों की परिक्रमा अलग अलग तरह से की जाती है। हर किसी की परिक्रमा करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवी देवताओं में सबसे प्रथम कहे जाने वाले भगवान श्री गणेश की भी परिक्रमा की जाती है। भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति की 3 बार पूरी तरह से परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कठिन से कठिन कार्य को सफल रूप देने का मार्ग मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि श्री गणेश जी की पीठ में दर्दता का वास होता है। आमतौर पर लोग मंदिर जाते हैं और परिक्रमा के दौरान हर दिशा से ईश्वर को माता टेकते हुए चलते हैं, मगर श्री गणेश जी की परिक्रमा के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री गणेश जी के दर्शन हमेशा सामने से ही करना चाहिए और सामने से ही माता टेकना चाहिए, क्योंकि श्री गणेश की पीठ की ओर माता टेकने पर आपको अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही जीवन में दर्दता आ सकती है। भगवान गणेश जी की पूरी परिक्रमा में 3 परिक्रमा का अवदान है, इसलिए जब श्री गणेश जी की परिक्रमा करें तो बीच में रुकें नहीं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने परिक्रमा जहां से शुरू की है वहीं पर उसे खत्म करें, तब आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।